साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका जीवनसार चैनल में। ब्लू सुपर मून ऑन अगस्त 30-31। ब्लू सुपर मून ये कब दिखाई देगा? ब्लू सुपर मून कितने बजे दिखाई देगा? ब्लू मून 30 अगस्त को भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे के आसपास अपनी अधिकतम चमक हासिल कर लेगा और ब्लू सुपर मून 31 अगस्त को सुबह लगभग 7:30 बजे तक अपने चरम पर पहुंच जाएगा। अब ये जानते हैं कि 30 अगस्त को फुल मून को आपको अपने मैनिफेस्ट पूरा करने के लिए क्या करना है। हमारे सबकॉन्सियस माइंड के ऊपर मून की एनर्जी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे मून अमावस्या से पूर्णिमा तक और पूर्णिमा से अमावस्या तक अपनी पोजीशंस बदलता रहता है, वैसे ही हमारे मूड स्विंग्स होते रहते हैं और बदलते रहते हैं। कई बार आप बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, कई बार आप बहुत लो फील करते हैं, क्योंकि चंद्रमा की एनर्जी के साथ हमारे मन की एनर्जी भी कनेक्ट होती है, तो आप इसे खुद महसूस कर सकते हैं। और अगर आप इस पे काम करेंगे तो आपको मैनिफेस्ट करने के लिए मदद मिलेगी। आज की वीडियो फुल मून पे है और अगस्त में हमें दो फुल मून, वो भी सुपर फुल मून मिले हैं और दोनों ही सुपर फुल मून रहे हैं। सुपर फुल मून का क्या मतलब है? जब मून धरती के बहुत ही नज़दीक है और इसकी एनर्जी हमारे सबकॉन्सियस माइंड पे बहुत ही असर करती है। जब इसकी पोजीशन धरती के इतनी करीब होती है तो आप कोई भी मैनिफेस्ट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है और वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाता है। मैनिफेस्टेशन में सबसे बड़ी रुकावट आपकी इमोशन होती है। अगर आप अपने इमोशन कंट्रोल करते हो तो आपके मैनिफेस्टेशन में जो रुकावटें आती है वो ठीक होना शुरू हो जाती है। बहुत कम टाइम में ही आपके मैनिफेस्टेशन पूरे होने लगते हैं। तो इस बार आपको फुल मून वाली रात में मेडिटेशन के समय मंत्र चांट करना है। चंद्रमा का बीज मंत्र चांट करें। वो मंत्र कौन सा है वो ओम श्राम श्रीम श्रम सह चंद्रमसे नमः। ओम श्राम श्रीम श्रम सह चंद्रमसे नमः। अपने मन में अपनी इच्छा रखते हुए ये चंद्रमा का बीज मंत्र आप जाप करें। माला के साथ भी आप जाप कर सकते हैं। आप जाप करते समय आपको इमेजिन करना है कि वो इच्छा आपकी पूरी हो रही है, वो इच्छा आपकी पूरी हो गई है। चंद्रमा की एनर्जी आप पे शावरिंग हो रही है और आपकी इच्छा पूरी हो रही है। आप अपने जीवन के लिए जो चाहते हो वही इच्छा आपकी पूरी हो चुकी है। इस तरीके से आप कल्पना करें। और अगर आपकी इमोशंस अनस्टेबल रहते हैं तो आपके इमोशंस कंट्रोल हो जाएंगे ये सब करने से। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपके लाइफ में कुछ बहुत अच्छा हो और ये मैनिफेस्टेशन आप करें तो इस मंत्र को जरूर चांट करें। पूर्णिमा या सोमवार का दिन चंद्रमा का दिन होता है तो आपको एक्सट्रीम रिजल्ट मिलता है। इन दिनों अगर आप चांट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। इस मंत्र को चांट करते समय, जप करते समय पूरा ध्यान आपका मंत्र पर ही होना चाहिए, तभी आपको फायदा मिलेगा। कंसंट्रेशन होगा तो आपको बहुत एक्सट्रीम रिजल्ट मिलेगा। अब इस सुपर फुल मून पर क्या रिचुअल्स करने हैं हमें? सबसे पहली बात, आप चांद की रोशनी में, चंद्रमा की रोशनी में कम से कम 10-15 मिनट घूम ले, वॉक कर ले, क्योंकि आपका मन उससे शांत होगा। मेडिटेशन करें, चंद्रमा का बीज मंत्र जाप करें, अफर्मेशंस करें। अगर आपको कोई चीज़ करनी है उसे शुरू करें। मून वाटर जरूर बनाए। मून वाटर का वीडियो चैनल पर है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, क्योंकि सुपर मून की एनर्जी भी सुपर होने वाली है। तो मून वाटर बनाते समय
इंटेंशन जरूर दे कि आप ये किस लिए बना रहे हैं मून वाटर और किस लिए आप ये यूज कर रहे हैं। वो इच्छा आपकी मून वाटर पे बोले और वो मून की एनर्जी उसमें भगवान को प्रार्थना करे, चंद्रमा को प्रार्थना करे कि वो इच्छा आपकी पूरी हो जाए। और सुबह सूर्योदय के पहले उस मून वाटर को घर में ले आए, अपने क्रिस्टल चार्ज करे, घर में धुनी दे, घर में पोछा लगाते समय सेंधा नमक डालकर पोछा लगाए। नमक के पानी से आप नहा भी सकते हैं, स्पिरिचुअल बाथ भी ले सकते हैं आप। स्पिरिचुअल बाथ कैसी लेनी है वो भी चैनल पर वीडियो है, आप उसे जाके देख सकते हैं। आप योगा कर सकते हैं। आप जो चीज़ें आपके काम की नहीं है उन्हें लेट गो कर सकते हैं, घर से बाहर निकाल दे, और आपके निगेटिव थाट्स जो है वो पेपर पे लिखे। आपको किसी के बारे में घृणा है या किसी के बारे में निगेटिव विचार आपके मन में आ रहे हैं वो भी एक कागज़ पर लिखे और उन्हें जलाकर फ्लश कर दे या यूनिवर्स में दे दे।